कक्षा 7 विषय गणित। इसमें हम कर रहे थे अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल। उसकी प्रश्नावली 11.1 के सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। आज हमने जो उसका सवाल लिया है वो है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। मेन बात तो आपको सवाल में ध्यान रखनी है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है, मतलब दोनों आकृतियों का जो खेत है उन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों का क्षेत्रफल है वो क्या है, समान है। क्या है? समान है। अब आगे, यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? चौड़ाई। क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। अब आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन हमें केवल आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है, तो केवल लंबाई से हम चौड़ाई ज्ञात नहीं कर सकते। या तो हमें आयत का क्या ज्ञात होना चाहिए, परिमाप, या फिर क्षेत्रफल। अगर दोनों में से कोई एक हो तो हम इस चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल में आपको कह रखा है कि वर्गाकार पार्क और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम केवल आयत की लंबाई से ना तो परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और ना ही जो आपको क्षेत्रफल के बारे में दे रखा है यह ज्ञात कर सकते हैं। हमें दे रखा है वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी दे रखी है, 60 मीटर। कितनी दे रखी है? 60 मीटर। तो हम सबसे पहले वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे हल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का, वर्गाकार पार्क की भुजा, वर्गाकार पार्क की भुजा हमें दे रखी है 60 मीटर। वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर 60 मीटर। हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो हम 60 को 60 से आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए 60 को 60 से गुणा किया, 0 को गुणा करेंगे 0 0, फिर 6 से करेंगे, 6 को 0 से किया 0 6 छंग 36। ये क्या है? 60 मीटर। 60 मीटर, मीटर को मीटर से आपस में गुणा करेंगे तब ये क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसको जोड़े तो 0063, यानी 3600 मीटर स्क्वायर। तो इसका वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकला 3000 मीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल का पहला हिस्सा। अब देखिए वापस फर्स्ट लाइन पे आइए, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है, यानी ये जो वर्ग का क्षेत्रफल निकला है ये आयताकार पार्क के बराबर है। मतलब कि दोनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल का माप कितना होगा? 3600 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम लिखेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, और दोनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3600 मीटर स्क्वायर।
आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई, और ये हमें सवाल में दे रखी है 90 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आयताकार पार्क की चौड़ाई। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई और क्षेत्रफल दे रखा हो, लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई ज्ञात करना हो, तो हमारा सूत्र होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है 3600 मीटर स्क्वायर, इसमें हमें भाग देना है 90 मीटर का। देखो मीटर स्क्वायर में मीटर का भाग देंगे तो 1 मीटर से मीटर कटेगा और 1 मीटर यहाँ पे रह गया, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब 9 का भाग किसमें लगाना है, 360 में। तो पहले अंक क्या है, 3 6 36, 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी 4 बार गया, पूरा गया है। और ये 0 है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 9 का भाग 360 में दिया, कितनी बार आया, 40। और ये 40 मीटर क्या निकली आपकी, आयत की चौड़ाई, यानी आयताकार पार्क की चौड़ाई। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 40 मीटर और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है, सवाल को उतारिए, समझिए और बाद में सवाल को बिना देखे हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।